अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाज़िफ़ फ़हीम, शूटर्स डैन हैदराबाद से। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लाए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है सारा, एयर गन्स में, पैलेट्स में, और इसके अलावा पम्प्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, तो जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम एयरगन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्राइस रेंज के अंदर एयरगन्स आपको मिल जाएंगी। जो बेसिक एयरगन्स हैं जो बच्चों के हिसाब से होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं चाइनीज़ स्नो पीक एयरगन्स की। ये B33 मॉडल है, वुड कलर में, और अंडर लीवर है, इसमें ओपन साइड्स भी आती हैं। इसी तरह एक LB600 का ये नया मॉडल आया जिसके अंदर अपडेटेड स्टॉक कंपनी ने दिया है, ये आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी लाइट वेट एयर गन्स होती हैं, और नॉर्मल अगर आप घर के अंदर कोई परिंदे वगैरह हैं ज़्यादा जो आपको तंग कर रहे हैं, या कोई कीड़े वगैरह हैं उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, छुपकलियों वगैरह के लिए या बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा इसी में आर्टिमस के मॉडल्स आ जाते हैं जो थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं। फिर ये SR1000 है मेरे हाथ में, GR1000 है, इसमें SR1250 आती है। ये जो हैं वो मीडियम पावर्ड मॉडल्स कहलाते हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको मॉडल्स दिखाई है आपको तकरीबन अंडर 20,000 मिल जाते हैं। और जो दूसरे बड़े मॉडल्स हैं जिसमें एक ये GR1000 है और SR1000 वुड में है इसी का, ये आपको तकरीबन अंडर 30,000 में मिल जाते हैं। उसके बाद ये टर्किश हेडसन एयरटेक्ट H1000, इस तरह के मॉडल्स हैं सिंथेटिक स्टॉक में, ये टर्की के हैं, लॉक वाले मॉडल होते हैं ओपन साइड्स के साथ। ये तकरीबन अंडर 35, अंडर 30 में आपको मिल जाते हैं। इसमें कैमो कलर भी है हमारे पास। इसके अलावा हेडसन का एयरटेक्ट भी अवेलेबल है, जो कि आप ये देख सकते हैं, हेडसन मॉडल 65, ये वुडन में है, काफ़ी ख़ूबसूरत है थंब होल स्टॉक के साथ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये तकरीबन आपको अंडर 40,000 की रेंज में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर स्पेन में चलते हैं, मतलब पहले चाइना आता है, फिर उसके बाद टर्की आता है, फिर स्पेन आ जाता है। ये गैमो की एयरगन्स हैं, गैमो विस्पर एक्स मेरे हाथ में है। अगर स्पेनिश एयरगन्स की बात कर लें तो गैमो विस्पर एक्स काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, ये आपको मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप मल्टी शॉट एयरगन लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है गैमो रोडस्टर, इसके अंदर मैगजीन लग जाता है इस जगह पे, और 10 शॉट का मैगजीन होता है, तो आपको बार बार इसको छर्रे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप इसको एक दफ़ा नीचे लोड करते हैं और मैगजीन से खुद ही ऑटोमेटिकली दूसरा छर्रा लोड हो जाता है। तो ये भी काफ़ी पावरफुल एयरगन है, और थोड़ी सी इसकी प्राइस यकीनन ज़्यादा है, ये तकरीबन अंडर आपको 70-75 की रेंज में मिल जाएगा। इस पर आप स्कोप भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रिगर है, लॉक है। अगर हम प्रीमियम कैटेगरी में चले जाएं तो आपको स्पेनिश एयरगन्स मिल जाती हैं कोमेटा की, ये कोमेटा फीनिक्स 400 है। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर जो तमाम पार्ट्स हैं वो मेटल के होते हैं, ऑटोमेटिक सेफ्टी होती है, और 2-स्टेज ट्रिगर होता है, काफ़ी अच्छा स्मूथ ट्रिगर है इसका। और अगर प्रीमियम एयरगन्स की बात की जाए तो ये डायना के मुकाबले की एयरगन समझी जाती है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, 50 यार्ड्स तक आप इसके अंदर हंटिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सिंथेटिक अवेलेबल है, इसके अलावा जो लकड़ी में पसंद करते हैं उनके लिए आपको ये वुड में भी मिल जाएगा। और इसी का एक और मॉडल है गैमो फ्यूजन, कोमेटा फ्यूजन, ये भी आपको वुड में और सिंथेटिक में मिल जाएगा। इसमें साइड्स नहीं होती हैं, बुल बैरल होती है, और यह आगे फ्लैशर दिया हुआ होता है, इसकी वजह से एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। तो अभी तक जो इसका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, इसमें आप स्कोप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और इजीली 70 यार्ड्स तक हंटिंग कर सकते हैं आप इससे।
इसके बाद अगर एक नई चीज़ आपको दिखाएं तो ये जेल वॉर का जेल ब्लास्टर है। इसके अंदर जेल बॉल्स चलती हैं जो कि इस तरह की होती हैं। ये बेसिकली नॉन लीथल चीज़ है। इसको आप पानी में भिगोते हैं और इसके मैगजीन में तकरीबन 500 के करीब आ जाती हैं। ये इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ये इसका मैगजीन है। तो बच्चों के हवाले से जो 15 साल से 13 साल से छोटे बच्चे हैं वो इजीली चला सकते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है और इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें लोडिंग का भी कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ आपने इसका ये सेफ होता है, इसको खोलना होता है और सिर्फ आपने ट्रिगर दबा के रखना होता है तो ये फुल ऑटो और सेमी ऑटो चलती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है, ये आपको तकरीबन 120,000 में मिल जाती है। इसके अलावा अगर इस तरफ बात करें तो आपको ये सामने आर्चरी के आइटम्स नज़र आ जाते हैं। आजकल वैसे भी आप देख रहे होंगे ओलंपिक्स चल रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं इसमें आर्चरी के आइटम्स में। तो ये मुख्तलिफ साइज़ की हमारे पास बोज अवेलेबल हैं। इस वक्त थोड़ा सा स्टॉक हमारे पास कम है, काफ़ी सारे इसमें आइटम्स आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें नॉर्मल जो है ये रिकर्व बो कहलाती है, ये भी अवेलेबल है, और ये कंपाउंड बोज होती हैं ये भी अवेलेबल हैं। इनके एरोज भी अवेलेबल हैं हमारे पास जो आपको साइड पर नज़र आ रहे हैं। ये भी हमारे पास मिल जाएंगे। इसमें कुछ वैरायटी आनी है इंशाल्लाह, वो कुछ टाइम में आ जाएगी। इसके अलावा नीचे जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म के गन केसेस हैं। तकरीबन इसमें सारे ही साइजेस मिल जाते हैं। इसमें आप एयर पिस्टल्स भी रख सकते हैं और आपकी जो फायर आर्म्स होती हैं पिस्टल वगैरह वो भी रख सकते हैं। इसमें ये नॉर्मल रेंज है और ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये प्रीमियम रेंज है जो वाटरप्रूफ होते हैं और एयरलाइन प्रूफ होते हैं, जो एयरलाइन अप्रूव्ड होते हैं। इसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं, छोटे बुलपप के लिए भी अवेलेबल हैं और बड़े शॉटगन्स के लिए भी अवेलेबल हैं। कुछ हमारे पास ये मॉडल आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वाले हैं और कुछ आपको उस तरफ बड़े मॉडल्स दिख रहे हैं ये वाले अवेलेबल होंगे, ये बड़े साइज़ में अवेलेबल हैं। इसकी काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। वेबसाइट पे इनकी स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई होती हैं और उसके साथ साथ इनकी प्राइसेस भी लिखी हुई होती हैं। तो बजाय इसके कि मैं एक एक आइटम की आपको प्राइस और डिटेल बताऊं, आप ये तमाम चीज़ें हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग एयरगन्स के बाद हम PCP एयरगन्स पर आ जाते हैं तो PCP एयरगन्स में भी हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये स्नो पीक का PR 900 जेन 2 अवेलेबल है जो कि रेगुलेटेड होता है और मॉडरेटर के साथ होता है। ये वुड में अवेलेबल है और इसके अंदर ओपन साइड्स दी हुई होती हैं तो आप इसको बग़ैर साइड्स के भी यूज़ कर सकते हैं। ये PCP मैकेनिज्म पे काम करते हैं। बेसिकली इसके अंदर नीचे सिलेंडर होता है जिसमें आप पंप के ज़रिए या कंप्रेसर के ज़रिए एयर फिल करते हैं। तो उनके जो ऑप्शन हैं वो भी हमारे पास लगे हुए हैं। अगर आप ये देखें हमारे पास हैंड पंप्स मुख्तलिफ किस्मों के हैं, तकरीबन 15,000 से 20,000 की रेंज में अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये कंप्रेसर्स और स्कूबा टैंक्स भी रखे हुए हैं, इनकी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अगर PR 900 के अलावा हम देखें आर्टेमस में, तो आर्टेमस में हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है कोई भी मॉडल। इसके अलावा इसमें आपको नोवा विस्टा मिल जाएगी। नोवा विस्टा में जो लिवायथन है वुड में, काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, ये 0.25 में अवेलेबल है इस वक्त हमारे पास। आप सब काफ़ी इसको आपने पसंद किया है, इसका इंशाल्लाह 2.2 में भी स्टॉक आ रहा है हमारे पास। आपको सिंथेटिक में और वुड में जल्द ही ये अवेलेबल हो जाएंगी। इस वक्त ये 2.5 में अवेलेबल है। इसके अलावा 2.2 में एक हमारे पास यूज में अवेलेबल है नोवा विस्टा एल्फा। ये यूज में अवेलेबल है, स्लाइटली यूज है ये एक ही पीस है, लास्ट पीस है, ये आपको मिल जाएगा। ये तकरीबन अंडर 80,000 की हैं प्राइसेस। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप काइंडली वेबसाइट विज़िट कर लीजिए। इसमें बिहीमत का 0.25 अवेलेबल है जो PSR 2 है, पुरानी वाली 180 cc सिलेंडर वाली।
ये आपको मिल जाएगी। काफ़ी पावरफुल एयरगन है और काफ़ी आप में से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन और अवेलेबल है हमारे पास जो के है कैमो में। इसका कैमो डिप हुई हुई है सिंथेटिक में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये भी आपको ओनली एयरगन जो है वो अंडर 90,000 मिल जाएगी। तकरीबन पंप आपको 15 से 20 हज़ार में मिल जाता है और स्कोप भी तकरीबन आपको 15 से 50 हज़ार के बीच में, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेते हैं, तो वो इस तरह मिल जाती है। अगर 0.22 की बात कर लें तो ये हमारे पास बिहीमत PSR3 SF अवेलेबल है जिसकी कॉकिंग लीवर आगे है और डुअल सिलेंडर है इसके अंदर, डबल सिलेंडर मौजूद है। बिहीमत PSR3 SF में इसके अलावा भी मुख्तलिफ कलर्स आते हैं, कैमोफ्लाज ग्रीन, वो अभी इस वक्त हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। इसमें एक नया मॉडल वुड में भी आ रहा है, वो भी जल्द अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नोवा विस्टा से मुतालिक और मॉडल्स देख रहे हैं तो अवेंजेक सीरीज़ आ जाती है। अवेंजेक सीरीज़ में काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं। ये इसका एयर वेंचुरी अवेंजेक्स सिंथेटिक ट्यूब में है और बाकी काफ़ी सारे मॉडल इसके अवेलेबल हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं। ये वुडन में अवेलेबल है इसका, इसके अलावा ये बेसिकली क्लासिक है। एक क्लासिक में ये आता है बड़ी बॉटल वाला, ये भी अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा बुलपप में ट्यूब वाला अवेलेबल है जो कि वुडन स्टॉक में आता है, ये छोटे साइज़ में जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, कार में बैठ के और बाइक वगैरह पे शिकार करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो ये कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट है काफ़ी। इसके अलावा इसमें टैक्टिकल आता है, टैक्टिकल के अंदर ये M4 टाइप शेप होती है इसकी, जो लोग टैक्टिकल राइफल्स वगैरह पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। एक बॉटल वाला अवेलेबल है और एक ये डिस्प्ले में जो लगा हुआ है आपके सामने ये ट्यूब वाला है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर 210 सीसी की 300 बार एयर भरी जा सकती है। अगर हम टर्किश एयरगन्स की बात कर लें तो टर्किश में रेक्समैक्स अवेलेबल है हमारे पास, ये रेक्समैक्स डे स्टार है, रेक्समैक्स का सबसे पॉपुलर मॉडल है ये और आपको इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ये फुल राइफल शेप में है और इसके साथ एक साइलेंट फोर्स का मॉडरेटर इंक्लूडेड होता है, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है और काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा रेक्समैक्स में बुलपप की बात कर ली जाए तो रेक्समैक्स जोन अवेलेबल है ब्लैक कलर में और इससे थोड़ा सा एडवांस और नया जो मॉडल आया है वो पूरी एलुमिनियम मेटल फिनिश में, ये रेक्समैक्स मेटा है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं और लोडिंग वगैरह सामने से दे दी गई है, काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश है और ये सारा इसका मेटल का बना हुआ है फ्रेम, इसका रिसीवर वगैरह काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और ये इसका पीछे बेंच रेस्ट के लिए रेस्ट दिया गया, आगे आप बाइपॉड लगा लेते हैं और पीछे से इसको इस पर रेस्ट कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा टैक्टिकल मॉडल है। और ये रेगुलेटेड है, सारी एयरगन्स रेगुलेटेड हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेटा में ही एक और इसका जो एडवांस वर्जन है वो मेटा प्लस है और ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके अंदर बड़ी बॉटल दी गई है, पावर इसकी ज़्यादा है दूसरी जो उसके मुकाबले में इससे पहले जो आपने देखी मेटा, और इसके अंदर ये 90 सीसी का प्री चेंबर दिया गया है जिसकी वजह से इसमें पावर बढ़ाने का अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें आप स्लग्स भी चला सकते हैं और वो पावर आप इसके अंदर से अचीव कर सकते हैं जो कि स्लग्स के लिए आपको चाहिए होती है। 90 सीसी का प्री चेंबर है जो कि FX इम्पैक्ट से भी ज़्यादा है, FX इम्पैक्ट में तकरीबन 75 सीसी का होता है। एक हमारे पास ये इम्पैक्ट आई हुई है यूज्ड में,
ये आपको मिल जाएगी, ये 0.25 कैलिबर में है। और पावर प्लेनम इसमें लगा हुआ है, सुपीरियर लाइनर लगा हुआ है जो कि आप स्लग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ओरिजिनल बॉक्स इसके साथ है, इसमें एक इसकी पैलेट एक्स्ट्रा जो बैरल है पैलेट्स की वो मिल जाएगी आपको, और एक बड़ा मैगज़ीन मिल जाएगा। तो ये तो हमारी सारी एयरगन्स हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इस साइड पर अगर आप देखें तो 6.8 लीटर का स्कूबा मिल जाएगा, 3 लीटर का स्कूबा मिल जाएगा। मुख्तलिफ कंप्रेसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये 12 वोल्ट के अवेलेबल हैं, 1, 2 और ये 3 AGH का है ये वाला। इसके अलावा ये 220 वोल्ट में अवेलेबल है वीवोर का, ये वाला डबल सिलेंडर में है टक्सिंग का, जिससे आप स्कूबा वगैरह भर सकते हैं, जबकि ये सिंगल सिलेंडर में है, इससे आप एयरगन्स वगैरह या छोटे 3 लीटर तक के स्कूबाज भर सकते हैं। और ये इसका 12 वोल्ट का है जो कि ऑटो स्टॉप में है। तो ये तकरीबन कोई 7 ऑप्शंस हमारे पास कंप्रेसर्स में अवेलेबल हैं, टैंक्स में अवेलेबल हैं 2 ऑप्शंस, और इसके अलावा मुख्तलिफ GX के GH के पम्प्स अवेलेबल हैं जो कि आपके सामने लगे हुए हैं। ये हमारे पास एक नोवा विस्टा का पम्प अवेलेबल है जो कि सिंपल पम्प है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा ये AGH के कुछ मॉडल हैं, ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है GX का जो कि ड्राई पैक के साथ आता है, अच्छा रिजल्ट है इसका, काफ़ी स्मूथ है। ये तकरीबन अंडर 20,000 आपको पम्प का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, एयरगन्स हो गई, पम्प्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गए। अब हम आपको इसके बाद कुछ एक्सेसरीज इसकी दिखा देते हैं। हमारे पास जो है वो कराल के एक्स्ट्रा मैगजीन्स अवेलेबल हैं 0.22 में, इसके अलावा रेक्सिमैक्स की 0.25 में मैगजीन्स अवेलेबल हैं, ये आपको मिल जाएंगी। रेक्सिमैक्स थ्रोन की बैरल किट्स अवेलेबल हैं 177 में, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट सेट आता है, इसमें मैगजीन होते हैं 2 और इसकी पैलेट प्रोब वगैरह होती है। इसके अलावा रेक्सिमैक्स का साउंड मॉडरेटर अवेलेबल है ओरिजिनल, ये आपको मिल जाएगा। रेक्सिमैक्स थ्रोन के लिए या मेटा प्लस के लिए स्टील बॉटल अवेलेबल है 425 cc की, ये आपको स्पेयर में अगर चाहिए हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको 300 बार्स तक या 250 बार्स तक फिल करना चाहते हैं और लाइट वेट वेट कम करना चाहते हैं तो आप ये कार्बन फाइबर की बॉटल भी ले सकते हैं, ये भी हमारे पास स्पेयर में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो नोवा विस्टा के बड़े मैगजीन अवेलेबल हैं, 16 राउंड के ये मैगजीन होते हैं, नॉर्मली 10 राउंड वाला मैगजीन आता है, तो ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। इसके अलावा पैलेट की वैरायटी आपके सामने जो लगी हुई है वो आपको नज़र आ रही है, ये 0.25 के, 0.177 के, 0.22 के स्लग्स पैलेट्स मुख्तलिफ हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, JSB में, HNN में, गैमो में, और फैल्कन स्लग्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी इसमें वैरायटी अवेलेबल है। इसके अलावा एयर पिस्टल्स हमारे पास CO2 वाले अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने लगे हुए हैं। इसमें वैरायटी थोड़ी इस वक्त कम है लेकिन इंशाल्लाह ये भी हमारे पास जल्द आ जाएंगे। इसके CO2 कार्ट्रिजेस भी अवेलेबल हैं, बीबीज भी अवेलेबल हैं जो इनको पावर करते हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको हमारे पास मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाएं तो ये बाईपॉड्स लगे हुए हैं एयरगन्स के लिए मुख्तलिफ साइज़ के, जो कि आप देख सकते हैं, इनमें तकरीबन तमाम साइजेस ही आपको मिल जाएंगे। और नाइव्स अवेलेबल हैं, ये नाइव्स हमारे पास वेबसाइट पे मेंशन नहीं है लेकिन अगर आप लेना चाहें तो आपको डिटेल्स इंशाल्लाह शेयर कर देंगे इसकी। इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स के लिए आपके पास नंबर जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा, उस पर आप अमीर हमज़ा से कॉन्टेक्ट करके इनकी तमाम चीज़ों की डिटेल्स ले सकते हैं।
काफ़ी सारी चीज़ों की तो आपको डिटेल वेबसाइट से मिल जाएगी, लेकिन आप फिर भी अगर श्योर नहीं है, कोई चीज़ ऐसी पूछना चाह रहे हैं जो वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमज़ा से ये तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ पंप से मुतालिक एक्सेसरीज़ हैं, ये आपको मिल जाएंगी। बाकी हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं क्लीनिंग के हवाले से, फायर आर्म्स की, होप्स नाइन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लॉकटाइट है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं रेड डॉट्स अवेलेबल हैं। आखिर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्कोप्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। ये टी ईगल के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, तकरीबन 15,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें 3940 हैं, 6-24-50 हैं, 4-16-44 हैं, ये FFV मॉडल्स हैं, काफ़ी सारे इनमें मॉडल्स अवेलेबल हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा ये एमओ बॉक्सेस काफ़ी सारे हैं जो कि आप एमओ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, एयर गन्स हो गई, कंप्रेसर्स हो गए, पंप्स हो गए, पैलेट्स हो गए, स्कोप्स हो गए, और मुख्तलिफ ब्रांड्स की हमारे पास चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं वो दिखाई हैं। इसके अलावा भी कुछ शिपमेंट्स हमारी आ रही हैं, JSB में कुछ पैलेट्स आने वाले हैं इंशाल्लाह, और नोवा विस्टा के नए मॉडल्स आ रहे हैं, 2025 के जो मॉडल्स हैं वो भी जल्द अवेलेबल होंगे, वो भी इंशाल्लाह उनकी वीडियोस लेके हम आपके लिए लाएंगे। इसके अलावा कुछ नए ब्रांड्स हैं जो कि हम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। USA में काफ़ी पॉपुलर है वो ब्रांड, तो इंशाल्लाह जैसे हमारे पास पहुंचता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि आपको जो भी चीज़ हम भेजते हैं, हमारे कस्टमर्स तो यकीनन जानते ही होंगे ये सारी बात, लेकिन उनके लिए जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं या आज तक उन्होंने हमसे कोई डील नहीं किए, तो जो भी चीज़ हम आपको भेजते हैं वो हम भेजने से पहले उसको अच्छी तरह चेक करते हैं, चला के चेक करते हैं, डैमेज के लिए चेक करते हैं कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई फॉल्ट ना हो। और एयर गन चूँकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है और उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक ये टेस्टिंग सर्टिफिकेट है हमारा जो कि हम हर एयर गन के लिए, किसी भी एयर गन के लिए, ये चेक करके कस्टमर को साथ भेजते हैं, जिसके अंदर लीकेज वगैरह, एक्यूरेसी और रेगुलेटर, और इसके अलावा ट्रिगर वगैरह, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं ताकि आप लोग जो हैं वो इत्मीनान से ऑर्डर कर सकें। उसके बाद भी हम 7 दिन की चेकिंग वारंटी ऑफ़र करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको जब चीज़ मिलती है और वो अगर किसी तरीके से कोई डैमेज है या उसमें कोई चीज़ कम है या ऑर्डर आपका गलत आपको रिसीव हुआ है, आपने कुछ और ऑर्डर किया था और आपको मिल कुछ और गया, तो 7 दिन की चेकिंग वारंटी होती है, आप हमें वो चीज़ भेज सकते हैं और उसकी जगह हम आपको दूसरा पीस रिप्लेस करके देते हैं, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से जो है वो हमारे साथ शॉपिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई इस वीडियो में उन सब की डिटेल्स आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, और अगर आप फिर भी कुछ गाइडेंस लेना चाहें तो मैं इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमीर हमज़ा आपकी तमाम इंक्वायरीज़ को अच्छी तरह डील करेंगे और ऑर्डर भी आप उनको प्लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह जो नई चीज़ें आ रही हैं वो भी जल्द अवेलेबल होंगी, तो उनकी डिटेल्स लेके हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आज की वीडियो काफ़ी डिटेल थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।